नमस्ते, यहाँ तो सुप्रभातम, भारत में सायंकाल हो रहा है और उस दिन हमने थोड़ी सी बातें की आपसे और कई दिन हो गया। फिर हम कल बहुत व्यस्त हो गए थे, बहुत सारे काम किए, बहुत सारी मीटिंग्स करी। यहाँ आकर के भी जो काम करने की आदत या व्यस्तता छूटती नहीं है, तो हमारा मन था हम जहाँ घूम रहे हैं, जहाँ देख रहे हैं, और हमारे यहाँ के गृहपति ब्रह्मा अग्रवाल जी साथ में हैं। देखने में देखो एकदम जवान से हैं, ऐसा आयु तो अभी 86 के लगभग हो गया है। और ये आपका घर है जहाँ पर हम लोग रुके हैं, आप देखोगे तो कुछ कुछ ऐसी शैली है पाश्चात्य शैली में भी। हाँ, तो भारतीय शैली के साथ साथ नमस्ते 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 बहन, नमस्ते प्रणाम। ये हमारी बहनें सुबह घूम रही हैं, नमस्ते हमने कर ली है। और यहाँ आप देखेंगे इधर ये घर पे एक यूनिट बना, तो ये देख रही जो कॉलोनी है जहाँ पर हम लोग रुक रहे हैं, सुंदर कॉलोनी है। मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो पार्ट यही कि आप देखिए ये घर के बाहर में ये नीम का पेड़, ये जो नीम है, नीम को ब्रह्मा जी ये भारत से ही लेकर के आए, यानी कि भारत के लोग भारतीयता के साथ साथ में नीम यहाँ पर होता नहीं है, पर ये अभी यह होने लगा है, क्योंकि भारतीय जहाँ पहुँच जाए तो वहाँ पर अपने भारतीय पना लेकर के आते हैं। और मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग आप बताऊंगा, आज दिन में हम जहाँ जाने वाले हैं यानी कि भारत के समय पर रात्रि होगी, उस समय पर हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर उन्होंने बहुत नीम लगा रखा है। और ये छोटी छोटी ये जो दातून है, जैसे इसमें से ये तीन दातून बना देंगे, एक दो तीन, इतनी जो 10 दातून है अभी $17 में ये ऑनलाइन बेचते हैं, और पत्तियाँ ये अलग से बिकती है और वो अंग्रेज खरीदते हैं। ये भारतीय नियम की महत्ता होता क्या है ना, जब घर में कोई चीज़ होती है हमको उसकी कीमत का पता नहीं चलता, जब एक एक दातुन वो एक एक डॉलर में बिकने लगे, दो दो डॉलर में बिकने लगे, तो समझ में आना चाहिए कि ये बेच कीमती है। लोग बावले नहीं है कि एक नीम की इतनी टहनी को $2 में कोई खरीदता है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप जो है इसकी महत्ता को समझिए। हम श्रद्धेय स्वामी जी पतंजलि योगपीठ इस अभियान को जड़ी बूटी, जड़ी बूटी की महत्ता, जड़ी बूटी की विशेषता हम बता रहे हैं। अब हम कहना चाह रहे हैं सात समुंदर पार यहाँ पर अमेरिका में आकर के भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसके नीम के गुणों को समझिए। ये पौधे और वनस्पतियाँ हम जहाँ भी जाते हैं हमको लगता है कि हमको पुकारते हैं, बुलाते हैं। इसके साथ साथ में आप देखेंगे इधर देखो गुड़हल, ये भी भारत से आया हुआ है गुड़हल, ये लग रहा है देखो कितना सुंदर ये फूल खिल रहा है, जबरदस्त है। तो ये गुड़हल का पौधा, ये नीम का पौधा, ये कुछ ये चंपा का पौधा, ये सब भारत से आए हैं। बाकी ये कुछ पौधे हैं जो यहाँ के हैं। और मैं आपको घर दिखाती हूँ, थोड़ा और दिखाना चाहता हूँ। ये घर में जहाँ पर हम लोग रुके भी हैं, ब्रह्मा जी का घर है, माता कृष्णा जी हैं और सुरेश भाई हैं, रोहिणी बहन हैं, सब यहाँ रहते हैं। ये देखो आप इधर ये देखो ये बेचारा पौधा। अब थोड़ी थोड़ी आपको मैं बिना बताऊँ कहूँ तो आप शायद पहचान पा रहे होंगे, शायद देखो पहचानने का प्रयास करिए, थोड़ा भाई नज़दीक से दिखाइए, ये पहचान में आई आपको ये पौधा, आप पहचान पा रहे हो, ये है तुलसी का पौधा। भारी सर्दी के बाद फिर भी ये जीवित है, अब ये मौसम बिल्कुल बढ़िया हो गया, आप देख रहे होंगे हमको देख करके भी, आज थोड़ी सी हवा चल रही है पर मौसम बहुत बढ़िया है। मैं इधर दिखाना चाहता हूँ, जल्दी से आ जाए इधर, इधर को आप देखेंगे यहाँ पर, इधर जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पर देखिए, ये पारिजात का पौधा, पारिजात भी ये भारत से आया है, ये कितना सुंदर ये पौधा है पारिजात भी, क्योंकि अब सर्दी के बाद निकल करके आया है और ये अभी इसमें फूल खिलेंगे, ये बहुत सुंदर हो रहा है। और इसी तरह से आप देखो कि इधर भी गुड़हल वगैरह है और इधर फिर गुलाब वगैरह लगा रखा है, ये एक बहुत ही अद्भुत भारतीयता का समागम। और ये कॉलोनी जो आप देख रहे हो इसमें बहुत सारे भारतीय रहते हैं और सब ब्रह्मा जी के जो है मित्र मंडली है, और ये ऐसे जवान हैं कि सुबह सुबह ये कम से कम कई किलोमीटर चलते हैं। तो हम लोग अभी आज मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि हम थोड़ा सा रोड के परली पास देखते हुए जरा सा रोड क्रॉस करें, सुबह सुबह का मौसम है, ज़्यादा लोग नहीं हैं, तो यहाँ पर ये घूमते हैं। कितना किलोमीटर घूमते हैं ब्रह्मा जी सुबह सुबह? चार पाँच किलोमीटर सुबह सुबह घूमते हैं, और 87 ईयर्स के जवान हैं ये, और भारत में तो इतने में तो गोड्डे टिक जाए लोगों के, तो इनको देख करके लगता नहीं है। नमस्कार नमस्कार प्रणाम। ये सुबह सुबह हमारे भाई लोग घूम रहे हैं तो इधर से, और ये रोडोडेंड्रन की वैरायटी है देखिए, इधर खेल रहा है ये बुरांस की प्रजाति में से, कितना सुंदर फूल खिल रहा है सर्दी के बाद में। और फिर इधर भी ये घर, पता नहीं हम किसके घर में हैं, हमको नहीं पता आड़ोसी पड़ोसी कौन है, और बस घर है और हमको तालाब तक जाना है। इधर एक बहुत सुंदर तालाब है और उस तालाब की तरफ हम जाने वाले हैं।
और यहाँ पर आप देखेंगे ये मेरे को लगता है इसका पौधा है, चीकू का पौधा है, गमले में लगाया है कुछ कुछ, मेरे को लगता है कोई भारतीय तो नहीं है, पर हम साइड पे से आए, साइड पे से धीरे से घुस गए, तो ये आ रहे हैं और आपको हम दिखाना चाह रहे हैं ब्रह्म जी धीरे धीरे पीछे पीछे से आ रहे हैं। तो हम लोग तालाब पर पहुँच गए, बहुत सुंदर ये देखिए इधर आपको जैसा मैं दिखा रहा था रोडर एंडर सुंदर और यहाँ पर ये पूरा तालाब है और इधर स्विमिंग पूल है, इधर ये लेक है झील, मैं पंकज को कहना चाहता हूँ लेक इधर थोड़ा सा किनारे पर आ जाएगा और हमारे पास खेल रहा है, बहुत सुंदर सुहावना दृश्य है। और आप देख रहे हैं कि लीची में भी अभी आने की शुरू हो रहे हैं, मंजरियां और आने की शुरू हो रही है। इधर आम देखो, ये आम भी भारत भारत देखो, यहाँ दिखेगा ये आम भी इधर से आ लिया, तो यहाँ सब कुछ आ गया, लोग आ गए, चीज़ें आ गई, संस्कृति आ गई, सब कुछ आया। अब भारतीयता का जो डंक है योग आयुर्वेद का और बजाना है, और ब्रह्म जी के सहयोग से हम बहुत बड़ी योजना भी शुरू करने वाले हैं। तो आज हाँ, ये देखो ये गुलाब, ये कितना सुंदर खिल रहा है, ये भी यहाँ का नहीं है, ये भी भारत का ही है, ये जो गुलाब दिख रहा है आपको ये भी भारत का ही पौधा है। और इतना ही नहीं, ये आप देखो ये छोटा सा पिद्दा सा बेचारा, ये सदाबहार, ये भी वहीं से आया है। तो ये सब पौधे, सब जड़ी बूटियाँ, सब वनस्पतियाँ, हाँ ब्रह्म जी कुछ दिखा रहे हैं, ब्रह्म जी क्या गन्ना शुगर के, हाँ गन्ना गन्ना देखो गन्ना, ये तो इससे ज़्यादा भारतीयता का और क्या हो सकता है। तो हम अभी चल रहे हैं गन्ने की तरफ, यहाँ गन्ना भी है, तो बाकी चीज़ तो दिन में दिखाएंगे। आज हम दिन में खेतों में जाने वाले हैं, लोगों के जो खेती करने वाले यहाँ के डॉक्टर साइंटिस्ट, सिर्फ डॉक्टर ही नहीं करते हैं, सिर्फ साइंटिस्ट गिरी नहीं करते हैं, सिर्फ प्रोफेसर गिरी नहीं करते, खेती बाड़ी भी करते हैं, और मजेदार बात है कि भारत से बहुत कुछ ला करके कर रहे हैं। ये देखो गन्ना कितना सुंदर, ये सब गन्ना जो है ये भारत का गन्ना है, हमारा गन्ना है। तो हमारे साथ साथ यहाँ पर पहले से जी ब्रह्मा जी का हाँ पपीता देखो, पपीता भी भारत से आए, वो भी भारतीय का घर है क्या, परला भी वो भी भारतीय का घर है। ये इससे भी एक अंदाजा लगा सकते हैं, जहाँ जहाँ जो पेड़ लगे हुए देख करके भी अंदाजा कर सकते हैं ये घर किसका है। तो देखो मैंगो में अभी हमारे यहाँ तो ठंड है बहुत, अभी वो आनी शुरू नहीं हुई, यहाँ तो बोर भी लग गए हैं, आने शुरू हो गए हैं, तो ये बहुत ही सुंदर है। मैं अब आपको थोड़ा सा यही बताना चाहता हूँ कि भारत को, भारतीयता को बाहर रह करके भी भारतीयों से कम नहीं अभी तो ज़्यादा यहाँ के लोग जीते हैं। हमको लगता है कि वेस्टर्न कंट्री में जा कर के, अमेरिका में जा कर के संस्कृति की क्या दशा है, जो भारत में रहने वाले तमाम आध्यात्मिक और सामाजिक लोगों के अंदर जो दिल में भावनाएं और संवेदनाएं हैं उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पर हैं, उन्हीं भाव में जीते हैं, उन्हीं लोगों को यहाँ हिंदू यूनिवर्सिटी बना रखा है ब्रह्मचर्य ने, हिंदुज्म के लिए इतना काम करते हैं, चाहे वो संघ से जुड़े हुए काम हो, एकल विद्यालय हो, भारत में भी विश्व हिंदू परिषद की बात हो, दीदी माँ का जो प्रकल्प हो, अब पतंजलि के लिए भी अभी बड़ी योजना के लिए जुड़ने वाले, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उन्हीं साधन को सिर्फ जीवन के सुख के उपभोग के लिए नहीं, साधन को संस्कृति के लिए, साधन को भारत के लिए, साधन को भारतीयता के लिए, यह संकल्प और इस भावना में जीने वाले मैंने बहुत तमाम लोग देखे हैं। और आज वहाँ हम आपको दिखाएंगे किस तरह से भारत के पौधों को यहाँ ला कर के एग्रीकल्चर से लेकर के हॉर्टिकल्चर से लेकर हर्बल भी लोगों ने अश्वगंधा वगैरह भी लगाना शुरू कर दिया है, तो क्योंकि भारत से जड़ी बूटी ला कर के बेचना ये प्रतिबंधित कर सकते हैं, हमारे भारतीय बूटी तो इतना काम कर जाती है,
बीज उठा करके यही पैदा कर दिया, लो रोको कैसे रोकोगे। तो वो भी हम आज आपको दिन में दिखाएंगे, नहीं यहाँ का दिन मतलब है आपका रात हो सकता है, रात में होगा सुबह देख लीजिएगा, पर हम आपके साथ जरूर होंगे। आप आनंद लीजिए थोड़ा सा दृश्य, ये हमारा जो है पंखा लगा हुआ है ये दिखाएंगे, थोड़ा सा आप दृश्य का आनंद लीजिए। और बोट रखी हाँ, ये बोट रखी हुई लोगों ने, ये देखो बोट रखे हैं यहाँ से, बोट वहाँ से जा करके वहाँ से नीचे जा करके घूमने का ये एक आनंद है ऑरलैंडो का। देखो लाइट भी जल रही है वहाँ पर, ऑरलैंडो आई भी आपको जो दिख रहा है। तो बस प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मा जी, अभी हम घूमेंगे अभी ब्रह्मा जी के साथ, अभी तो कई किलोमीटर हमको चलना है। बहुत बहुत प्रणाम।